बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है, अमित शाह की 6 बहनें नहीं है, क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है, मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अकलियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की? अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं। मैं कल नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और भाषण में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुम जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो बिलखिसबानों की असमत रेजी किसने की? नरेंद्र मोदी बताओ। हमारी बेटी बिलखिसबानों हामिला है, 3 साल की बेटी उसके साथ है, उसकी मां है, रिश्तेदार है। घर के पड़ोसियों ने बिलखिसबानों की इज्जत लूटी। बिलखिसबानों अपने घर के पड़ोस में जो दुकान थी उस दुकान से बिलखिसबानों ने चूड़ियां खरीदी। जिसने हमारी बेटी को चूड़ियां बेचा उसने बिलखिसबानों की असमत रेजी की, 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी बताओ किसकी दौलत लूटी गई? मेरी बेटी की, मेरी बहन की दौलत लूटी गई थी। आप मुख्यमंत्री थे, उसको इंसाफ गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में मिला, जेल को गए ये जालिम लोग। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। बताओ नरेंद्र मोदी किसकी दौलत छीनी गई थी, किसकी दौलत छीनी गई थी? एहसान जाफरी को जिंदा काट कर जला दिया गया, नरेंद्र मोदी आप भूल गए? यही एहसान जाफरी ने आपको कई फोन किए थे, साबिका रुकने पार्लियामान, मगर एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया। आज भी उसकी बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम
जो कहते हैं झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।